यो देखा, am I audible to the last one? नहीं, last one हो, last benches, can you hear my voice? तो आपका यहाँ पर जो वीडियो आपने अभी देखा, इनिशिएट कैसे किया गया है वीडियो को वो देख लिया आपने एटलीस्ट, ठीक है? जब भी कोई टॉपिक जीडी में इनिशिएट करते हैं, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, आपका जब जीडी होगा, व्हेन यू आर गोइंग टू बी थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसीजर, आपके जो मेंबर्स रहेंगे, कैंडिडेट्स रहेंगे, वो ऑब्वियसली अननोन रहेंगे, राइट? तो जब भी जीडी होता है, उनको एक स्पेसिफिक ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, बात मत करिए उधर, उन सभी स्पेसिफिक ग्रुप को डिवाइड करने पर, जब पहले जब जीडी स्टार्ट होता है, उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन करना होता है अपना, ठीक है? सो व्हेन यू विल बी इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को जैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कॉलेज के थ्रू रिक्रूटमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपके अपने ही कैंडिडेट्स को, ये जरूरी नहीं हो सकता है बीपीएम के साथ आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है तो उनके ग्रुप में डाल दिया जाए, तो इंट्रोडक्शन करना जरूरी है। कभी ये मत सोचना कि इंट्रोडक्शन, अगर मेरा सेम बैचमेट था तो मैं इंट्रोडक्शन नहीं करूंगा। यहाँ पर बहुत सारे मेंबर हैं और जरूरी नहीं है, इसीलिए हम इन ऑफिशियल जीडी सेशन रखते हैं। ऑफिशियल जीडी सेशन में आपको हमेशा खुद को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन अ जीडी इज ऑलवेज 10 to 12, उससे ज्यादा नहीं रहते हैं पार्टिसिपेंट, ठीक है? नाउ जब आप इनिशिएट करते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, आप अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गेटिंग अ रिक्रूटमेंट इन द सिलेक्शन प्रोसीजर इज गोइंग थ्रू विद द हेल्प ऑफ योर यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो आपको यहाँ पर फाइनल ईयर में ही आपको रिक्रूटमेंट दी जाएगी, राइट? तो फाइनल ईयर में जब आप रिक्रूटमेंट लेंगे, तो जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, वहां पर आप अपने नाम के साथ ये भी बताएंगे दैट आई एम परसुइंग बीबीए फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, फ्रॉम दिस कॉलेज। एंड जब आप क्वालिफाई कर चुके होंगे, उसके बाद अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने से किसी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ दैट योर लेटेस्ट क्वालिफिकेशन, आपका जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं, वहां पर 10-12 बच्चे भी अलाउड होते हैं। यस, लास्ट बेंच सामने आइए, तीनों तो लास्ट बेंच आइए, सामने आइए, तुम्हें ही बोल रही हूँ, सामने आई, लास्ट बेंच इधर, हाँ तुम तीनों आओ आगे। यस, सो एज आई वाज टेलिंग, जब आपका जीडी होता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, वहां पर आपने देखा होगा क्वालिफिकेशन कई बार 10 पास या 12 पास की भी रहती है, तो आपका जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन होगा वो आप अपने इंट्रोडक्शन में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव क्वालिफाइड बीबीए फ्रॉम सीनियर कॉलेज, so you will tell your name and your latest qualification, that is I have passed out from Simesh College, my course was BBA, and you can include your percentage or CGPA, whatever you get, theek hai? Usse zyada introduction ki zarurat nahi hai, especially when you are in the GD, theek hai? Now after introducing yourself, that means all the candidates have told their name and latest qualification, uske baad aap jo hai topic GD ka start hota hai। आपने देखा है कि यहाँ पर जो मेंटर था वो हर एक पॉइंट के बाद अपना एक पॉइंट रख रहा था, राइट और नॉट? यस, तो इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू में वो क्यों ऐसा कर रहा था, मैं बता दूं, ऐसा आपका इंटरव्यूअर नहीं करेगा। व्हेन यू आर एक्चुअली इन द रियल लाइफ सिनेरियो वेयर यू आर प्रेजेंटिंग अ जीडी, व्हेन यू आर सिटिंग इन द जीडी, तो आपको वहां पर मेंटर इंटरफेयर बहुत कम करता है, वेरी रेयर, ठीक है? या तो वो एक बार उसने इनिशिएट करने के लिए बोल दिया, उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। सेकेंड थिंग, जब वो इंटरफेयर करेगा तब करेगा, या तो दो लोग लगातार आपस में ही काउंटर करते जा रहे हैं, बाकी लोगों को बात नहीं करने दे रहे हैं, तब वो इंटरफेयर करेगा, या फिर अगर उसने ये चीज नोटिस की है कि कोई एक स्टूडेंट या कोई दो स्टूडेंट कंटिन्यूअसली कैंडिडेट्स, वो दोनों शांत हैं, एक या दो कैंडिडेट्स वो दोनों हमेशा शांत हैं, कोई भी पॉइंट नहीं बोल रहे हैं, उन लोगों को नाम बोलकर वो लोग कंक्लूड करने के लिए बोलते हैं, ठीक है? तो अदर देन दिस, इंटरव्यूअर विल नेवर इंटरफेयर इन योर डिस्कशन, ठीक है? और ये अगर इंटरफेयर कर रहा है तो भी ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट ही है, बिकॉज आप वहां पर अपना लीडरशिप स्किल नहीं दिखा रहे हैं, बिकॉज यू वुड हैव बीन द वन हु इंटरफेयर इन बिटवीन। आपको मैंने बताया है व्हेन टू पर्सन आर कॉन्स्टिट्यूट consequently making counter
पॉइंट फॉर ईच अदर, आपको तीसरे पर्सन से क्वेश्चन करना, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पॉइंट के अगेंस्ट कोई पर्सन कंटिन्यूअसली पॉइंट्स बोलते जा रहा है, तो आपको उसे शांत कराने के लिए किसी तीसरे पर्सन से क्वेश्चन करना, ठीक है। सेकेंड थिंग, जब कोई पर्सन कंटिन्यूअसली बोले जा रहा है, वो किसी और को बोलने का मौका नहीं दे रहा है, तो भी आप उसे 2 मिनट के लिए शांत करा सकती हैं, ठीक है। दिस इज विद इन योर राइट, यू ओनली हैव टू पोलाइटली आस्क, प्लीज लेट अदर्स स्पीक आल्सो, ठीक है। इतना आप पोलाइटली बोल दे रहे हैं, दैट इज इनफ फॉर यू टू शो योर क्वालिफिकेशन एज अ लीडर। ऑल्सो इट इज इनफ फॉर दैट पर्सन, इट शुड बी इनफ फॉर दैट कैंडिडेट टू नो दैट ही हैज स्पोकन टू मच, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, जब वो मेंटर बार बार वहां इंटरफेयर कर रहा था, उस इंटरफेरेंस का रीजन भी मैं बता देती हूँ। उस इंटरफेरेंस का रीजन ये है कि वो आपके पॉइंट को वन लाइनर कंक्लूजन दे रहा है, वन लाइनर समरी दे रहा है। वो क्यों कर रहा है ऐसा, जो कैंडिडेट, हाँ सॉरी, सेव टाइम, नहीं, जो कैंडिडेट है उसने अपना पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, वो उसी के पॉइंट को वन लाइनर समराइजेशन दे रहा है। क्यों, ओके, वन पॉइंट कैन बी दैट द नेक्स्ट कैंडिडेट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द फर्स्ट कैंडिडेट हैज सेड, और कोई पॉइंट, सॉरी, रिपीट नहीं होगा, यस, टू अवॉइड रिपीटेशन, और इट हेल्प फॉर कंक्लूजन। कंक्लूड करते टाइम मैंने बताया आपको पॉइंट बोलना होता है, एक्नॉलेज करना होता है, तो जाहिर सी बात है जब एक पर्सन 1 मिनट कंटिन्यूअसली बोल रहा है, उस कंटिन्यूअसली 1 मिनट पूरे पॉइंट को तो रिपीट नहीं करोगे, तुम वो वन लाइनर समराइजेशन को रिपीट करोगे जो मेंटर वहां दे रहा है, ठीक है। ही इज हेल्पिंग ऑल द अदर कैंडिडेट्स, ऑल द 3 कैंडिडेट्स, एक पॉइंट जिस पर्सन ने बोल दिया उसका वन लाइनर समराइजेशन वो कर रहा है, ताकि बाकी के 3 कैंडिडेट्स अपने कंक्लूजन में उसे इंक्लूड करें। अंडरस्टूड, यस। नेक्स्ट थिंग, यू हैव नोटिस ईच एंड एवरी कैंडिडेट हैड अ पेन एंड पेपर इन देयर हैंड, राइट, दे वर कांस्टेंटली मेकिंग देयर पॉइंट्स, आल्सो दे आर मेकिंग कंक्लूडिंग पॉइंट्स, ठीक है। वो कंक्लूडिंग पॉइंट्स भी इंक्लूड कर रहे थे, इंक्लूडिंग द मेंटर, वो भी कंक्लूडिंग पॉइंट्स मेंशन कर रहा था। वो क्यों कर रहा था, ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ जीडी, तो वो क्यों कर रहा था वहां पर, एम आई ऑडिबल बच्चे, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी, यस, कैन यू टेल मी व्हाई ही वाज कांस्टेंटली मेकिंग वन लाइनर, वो तो हो गया, वो इंटरफेयर क्यों कर रहा था और वो पॉइंट्स क्यों लिख रहा था, ही डज नॉट हैव अ रीजन टू राइट ऑल द पॉइंट्स, सॉरी, इवैल्यूएट करने के लिए, He was helping others, ठीक है, वो बाकी students को help कर रहा था, ताकि अगर कोई भी candidate conclude ना कर पाए तो वो उन्हें help कर पाए, ठीक है, कि आप मेरे points ले लीजिए या मैं आपको conclude करने में help कर देता हूँ, ठीक है। Second thing, आप यहाँ पर, sorry, third thing, जितने भी candidates थे, all the candidates, आपने देखा उनकी English बहुत ही ज्यादा fluent नहीं, right, they were not actually very much fluent in English, but they were able to make their point clearly, right? They were at least able to express their point to an understandable sentences or paragraphs, ठीक है? तो मैंने जैसा आपको बताया, English आपके लिए इतना जरूरी नहीं है कि आप उसके बिना qualify नहीं कर सकते हैं। आपको English सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि आप यहाँ पर अपने point of view को दूसरे के सामने रख सकें। Understood? When you are working as an employee, आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे which will try to dominate you because they have a better communication skill. तो आपके पास कम से कम good communication skill होनी चाहिए ताकि आप उस best या better को इतना बता सके that you are not avoided or you are not the sideliner from the outsiders. ठीक है, आप बाहरी नहीं है, आप उस race से बाहर नहीं है, आप भी वैसे भी employee हैं जिस कंपनी में वो काम कर रहा है। सेकेंड थिंग, देयर विल बी पीपल हु विल नॉट बी हु विल ट्राई टू टेक योर वर्क एंड टेक एडवांटेज ऑफ योर हार्ड वर्क, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके हार्ड वर्क को
गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स के थ्रू हो सकता है कि वो अपना हार्डवर्क दिखाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए आपका कम्युनिकेशन कम से कम गुड होना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में प्रैक्टिस करते करते आप बेटर कर सके, बेस्ट हो सके। अंडरस्टूड? ऑलराइट। नेक्स्ट थिंग, आपको हेजिटेशन नहीं रखनी है, ठीक है। आपके दिमाग में सबसे बड़ी हेजिटेशन यही है कि अगर मेरा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया या मैंने पॉइंट में कुछ गलत वर्ड यूज कर दिया, दिस हेजिटेशन हैज टू बी रिमूव, ठीक है। कल जो मैंने टॉपिक दिया उसमें इन लोग को समझ ही नहीं आ रहा है क्या क्या नहीं, नहीं यहाँ से कोई लिखा था, यहाँ बैठा हुआ था वो, नहीं आया है, नहीं वो यहीं बैठा था, बैठा था। Topic was is everyone has something good in themselves. Some Muslim person was there. Yusuf or Yusar करके कुछ नाम था। यासिर, हाँ यासिर, यासिर, yes. अब जो भी था, but उसका paper यहीं से आया, वो pass on करके दिया होगा शायद। पास ऑन करके दिया होगा, बट यहाँ से जिन्होंने चीटिंग किया, मैं पहले ही बता देती हूँ उनके नंबर दोनों के काटे हैं, जिसने दिखाया है उसके भी, जो देखे हैं उसके भी, जिसका पूरा मैच कर रहा है उनको उनको भी सेम सेम नंबर मिले और कम कम नंबर मिले। जितना मिलना चाहिए था उससे दो पॉइंट लेस और दोनों को सेम। यस, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट मंथ का जो है दैट इज फॉर अप्रैल जो आपका होगा मार्क्यू, उसके लिए आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम दे दूंगी, ठीक है। बट अगर उसमें किसी ने खराब से लिखा तो फिर मैं किसी को वहां पर बहुत भयानक पनिशमेंट मिलेगी फिर। हाँ, आप मुझे नाम ये याद नहीं है यूसिर के, आई गिव इट, मैं बस आज मार्क्स चढ़ा दूंगी उसके बाद मैं दे दूंगी, ठीक है। हाँ हाँ, मिल जाएगा वो, मार्क्स चढ़ा दूंगी उसके बाद मैं दे दूंगी, ठीक है। हाईएस्ट मार्क्स अभी तक तो मेरे ख्याल से शायद दो तीन कॉपी बची हुई है, लेकिन हाईएस्ट मार्क्स 9 तक ही गया। 20 तो दो लड़कियों को आया, अज्ञात नहीं नाम, बस दो लड़कियों को आया। एवरीबॉडी हैज समथिंग गुड, यस, जो दो एस अभी तक दो नंबर लिया, वो बॉयज को, तीन लड़कियां हैं जिनको अभी तक दो नंबर मिला। दो लड़कों का सेम था, एक का अलग था थोड़ा, वो देख के पता चल जाएगा मुझे। यस, आपका जो टेस्ट हो रहा है ये मैंने टॉपिक इसलिए दिया था क्योंकि इन टॉपिक्स को एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक बोलते हैं, ठीक है। समथिंग दैट यू कैन राइट जस्ट बेस्ड ऑन द जनरल बिहेवियर विद योर एनवायरनमेंट, ठीक है। आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स कैसे हैं। बहुत सारी लड़कियों ने फिर से फादर्स पे लिख दिया, उनको और कोई नहीं मिलता है, उनके दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, बस उनके फादर ही अच्छे हैं। तो दैट इज ऑल राइट, दैट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग टू डू, लेकिन मैं बता रही हूँ बस जस्ट इन द सेंस की एग्जाम्पल्स, नहीं नहीं नॉट दैट काइंड ऑफ गुडनेस। आई वॉज टॉकिंग, यस I was talking about the goodness even in the bad situation. ठीक है, एक person है जो आपसे, जैसे इसका एक example मैं बताती हूँ। एक बच्चे ने मुझे यही speech, मैंने यही speech का topic किसी और class में भी दिया था, सिर्फ एक ही का बहुत अच्छा आया क्योंकि उसके class में भी तुम्हारे जैसे हैं। तो एक ही बच्ची थी, उसने बहुत सुंदर सा लिखा, उसने एक fictional story डाली कि एक व्यक्ति था जो हर किसी के साथ मतलब बुरा व्यवहार करता था, ठीक है। हर किसी को वो बुरा भला बोलेगा, ताने मारेगा सबको किसी ना किसी बात पर,
लेकिन आखिरकार जब किसी एक नए व्यक्ति आया, कोई उसके ऑफिस में या जहाँ वो पढ़ता था वहां पर एक नया व्यक्ति आया, उसको भी उसने सुनाना शुरू कर दिया। अब आप जिस व्यक्ति को जानते नहीं है उसके बारे में बुरा भला बोलोगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, राइट? तो जब उस व्यक्ति ने छानबीन की तो उसे पता चला कि उसके फादर बहुत ज्यादा अब्यूसिव थे उसके लिए, ठीक है? उसको बहुत मारते थे, उसको बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि हर जगह उसको डिसअपॉइंट टॉन्ट करते थे, ठीक है? एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वाज लर्निंग ऑल दोस थिंग्स एंड ही वाज एक्सट्रैक्टिंग दैट नॉलेज ऑन दी अदर पीपल अराउंड देम, ठीक है? तो ये चीज उस पर्सन में, तो ऐसा तो नहीं कि उस पर्सन में ये बुराई थी, उसने जो सीखा वही वर्ल्ड को दिया, राइट? तो उस चीज को उसने एग्जांपल लेके बताया कि उस पर्सन में भी अच्छाई है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से ही सीख रहा है, वो बाहरी किसी आदमी से कुछ नहीं सीख रहा है, अंडरस्टूड? तो दैट वाज द एग्जांपल, दैट काइंड ऑफ थिंकिंग यू शुड हैव, ठीक है? आपका ब्रेन जो है वो पूरा फ्रीज हो जाता है इस तरह के टॉपिक लेकर, और वो फ्रीज नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड? यस। नेक्स्ट क्लास जो है उसके लिए एक नई एक्टिविटी होगी, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पो। यस, एक्सटेम्पो मिलेगा, लेकिन टॉपिक इजी रहेंगे, समथिंग रिलेटेड टू योर मार्केटिंग इधर, और समथिंग वेरी सिंपल, ठीक है? नहीं नहीं ऐसा टॉपिक ही नहीं रहेगा कि अगेंस्ट और फॉर बोलना है, ठीक है? एक्सटेम्पो का मीनिंग अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, एक्सटेम्पोर मीन्स दैट एट द मोमेंट यू विल बी गिवन अ टॉपिक, यू विल गिवन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट इट। यस, 5 मिनट्स यू विल गिवन बी टाइम एंड यू हैव टू थिंक अपॉन समथिंग एंड यू हैव टू कम अप हियर एंड स्पीक। अब आपको ये चीज है कि आपको बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, मिनिमम टाइम ड्यूरेशन मैंने सिर्फ 1 मिनट रखा है एक्सटेम्पोर का, ठीक है? लेकिन हाँ, नहीं इस बार बोलना है, ठीक है? सॉरी, टॉपिक, हाँ बिल्कुल टॉपिक अभी कैसे बता दे एक्सटेम्पोर का? अरे पहली बार, हर चीज का पहली बार होता है यार, तुम पहली बार कभी मतलब बाइक चलाई नहीं हो क्या? साइकिल चलाना तुमने पहली बार कभी ना कभी सीखा होगा ना, इस डर से कि पहली बार चला रहे हैं तो तुम पहले से कैसे तुम साइकिल चलाना सीख जाओगे? थिंक समथिंग लॉजिकली, ठीक है? हर एक लाइफ में सिचुएशन ऐसा आता है जब पहली बार बहुत सारी चीजें, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सी द थिंग इज कि योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज फ्लैट एंड योर वर्बल कम्युनिकेशन इज ओनली यू कैन से जस्ट ग्राउंड लेवल पर है वो, तो ग्राउंड लेवल से ऊपर उठना है, ठीक है? तो इसीलिए वर्बल पे हम ज्यादा ध्यान देंगे ताकि एक बार में एक ही चीज पे हम प्रोजेक्ट करें। वर्बल जब अच्छा हो जाएगा उसके बाद हम नॉन वर्बल पे ध्यान देंगे। सी नॉन वर्बल एस्पेक्ट इज नॉट समथिंग विच यू कैन लर्न एट द मोमेंट, ठीक है? मैं एक एग्जांपल देखती हूँ। एक बच्चा था जो मुझसे पढ़ता था कम्युनिकेशन, उसका बहुत ही स्पीड था बोलने का, जो स्पीड था वो यहाँ पर आता था स्टेज पर, वो बहुत स्पीडली बोलता था, मतलब उसका जो लिखा हुआ कंटेंट है वो अगर आप पढ़ेंगे भी तो आपको पढ़ने में कम से कम 2 मिनट लगेगा और वो 1 मिनट में बोल के चला जाता था। हाँ, तो उसके लिए मैंने उसको कॉन्स्टेंटली टोका इस बात पे एंड आफ्टर 6 मंथ उसका जो स्पीड है वो नॉर्मल पे आया, ठीक है? इट टुक हिम 6 मंथ टू इम्प्रोवाइज दैट लिटिल बिट ऑफ दिस यू कैन से समथिंग दैट वाज बैड इन हिज कम्युनिकेशन, ठीक है? तो आपका जितना भी नॉन वर्बल एस्पेक्ट है वो आप खुद से भी सही कर सकते, क्या क्या चीजें सही कर सकते हैं पता ही नहीं है क्या क्या चीजें गलत हैं, तो सही कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल योर पोस्चर, ठीक है? बहुत लोगों को मैंने देखा है आपका पोस्चर सही नहीं रहता, यहाँ पर आते हो तो या तो ऐसे डिफेंसिव पोज हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है? या ऐसे ऐसे हो जाता है, किसी का पॉकेट में हाथ चला जाता है, किसी का ऐसे ऐसे होता रहता है, किसी का ऐसे ऐसे होता रहता है। दीज आर ऑल नर्वस टिक्स एंड दीज आर वेरी मच डिस्ट्रैक्टिव टू योर ऑडियंस। हाथ जो होते हैं वो इसी सीमा में रहने चाहिए, ठीक है? बताया था ना बबल में हो तुम, वो बबल फूट जाएगा अगर तुम अचानक ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हो, ठीक है? तो आपको यहाँ पर मूवमेंट हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रहने चाहिए और शोल्डर्स हमेशा स्ट्रेट रहने चाहिए। वो जो कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे हिलते डुलते रहते हैं, वो हिलना डुलना नहीं है स्टेज पे आप, ठीक है? व्हेनेवर यू कम हियर
ट्राई टू बी लिटिल मोर कॉन्शियस अबाउट योर मूवमेंट, ठीक है, आपका सिर्फ ध्यान रहता है जो आपने लिखा है वो बोलते जाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन के हाथ में कॉपी है या पेपर है जिसे वो देख के बोल रहा है, ठीक है, आप जब देख के बोलते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है. आपको पता है कि प्रधानमंत्री भी जाते हैं स्पीच बोलने तो उनके हाथ में कागज रहता है, ये गलत नहीं है. लेकिन आप अगर इसको देखने के चक्कर में आई कॉन्टेक्ट नहीं बना रहे हैं वो गलत, ठीक है. तो जो कंटेंट आप लिखते हैं उसको 4-5 बार पहले रीड किया करो. उससे क्या होगा, हर एक लाइन की एंडिंग तुम्हें याद होगी या फिर स्टार्टिंग तुम्हें याद हो जाएगी, अंडरस्टूड, या फिर कोई भी पार्ट उसका अगर याद हो जाएगा तो तुम यहाँ देख के बोलोगे, यहाँ नहीं, ठीक है. एंड अगर किसी का हाथ कांपता है तो कभी भी पेपर मत लेना, ऑलवेज कैरी अ नोटबुक एंड दैट टू अ हार्ड वन, इससे आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और यूज दैट, ठीक है. दो ऑप्शन है आपके पास. अगर पैर भी कांपता है तो भी आपको वो चीज ज्यादा बेटर. वो धीरे धीरे ठीक होगा, ठीक है. इफ यू डोंट कम अप हियर ना, वो चीज तुम कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि जितना आप रिस्ट्रिक्ट करोगे अपने ब्रेन को, ठीक है, आपका ब्रेन जो है वो नर्वस सिक, आपको पता भी नहीं है, वो अनकॉन्शियसली आपका ब्रेन ही आपके शरीर को मैसेज भेज रहा है, ठीक है. आपको पता है आपके ब्रेन को बिना कमांड दिए आपका हाथ पैर नहीं हिलता है, अंडरस्टूड. तो जब कांप रहा है या फिर हाथ कांप रहे, पैर कांप रहे, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि सबकॉन्शियसली बिना जाने आप ही अपने हाथ पैर को कमांड दे रहे हैं. तो वो कैसे सही होगा, जब तक एग्जैक्टली नहीं सोचते हो तो उसे सोचना है, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं होता है वो, आप अनकॉन्शियसली बिना सोचे समझे कमांड देते हैं अपने हाथ पैर को, बिकॉज नर्वसनेस के साइड इफेक्ट हैं ये सारे चीजें और कुछ नहीं. तो वो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे तभी कम होगा, अदरवाइज नहीं होगा. और जिनको सही में इस तरह का पैनिक अटैक वाला सिचुएशन है वो आईने में देख के प्रैक्टिस किया करो पहले, ठीक है, यहाँ आने से पहले आईने में देख के आप लोग प्रैक्टिस किया करिए. उससे क्या होगा, यू विल नो एक्चुअल में व्हाट इज हैपनिंग थ्रू आउट योर बॉडी, ठीक है. आपका आई कॉन्टेक्ट हो रहा है या नहीं वो पता चलेगा, आपका हेड मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, वो सारी चीजें आप खुद ही जज कर सकते हैं. यस, वन मोर थिंग, आपका वॉइस वेरिएशन नहीं होता है. व्हाट इज वॉइस वेरिएशन? यस, अप्स एंड डाउन्स, हाई पिच, लो पिच, something that will show that your voice is human emotions, it has some kind of human emotions. aap agar nervous hain, aap ruk ruk ke bol rahe hain to koi dikkat ki baat nahi, that actually shows you are a human. but agar aap bina tone ke bol rahe hain, that means you are what, robot, theek hai. to aapko google assistant nahi banna hai, aapko insaan banna hai, theek hai. so you have to show your human emotions through your voice. Understood? Also, whenever you are presenting a GD, आप भले बैठे रहते हैं वो बहुत ही comfortable situation होती है comparative to coming up on the hotspot. But it still gives you a hotspot feeling because every person in their room is looking at you when you are making a point. तो वो problem आपकी consciousness में, ये problem नहीं आपका कि आप यहाँ stage पे आ रहे हैं या आप बैठे हुए हैं, problem ये है कि आपको ये लगता है कि चार लोग मुझे देख रहे, राइट. तो उस सिचुएशन में वो जो चीज होती है दैट वो चार लोग मुझे देख रहे हैं, जज करेंगे, क्या बोलेंगे, वो कमांड करना है अपने ब्रेन को कि वो थॉट्स को निकालो, ठीक है, उसे बाहर निकालना है, समझे. जब तक वो दिमाग में रहेगा आपका नर्वसनेस नहीं सही होगा, अंडरस्टूड. तो जब तक हम क्लास में ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं, आई विल गिव यू exactly what points you have to concentrate, लेकिन work आपको करना पड़ेगा, ठीक है. मैं आपको बता सकती हूँ क्या problems हैं, कैसे solution निकाला जाए, लेकिन मैं करके नहीं दे सकती हूँ आपको, वो आपको करना खुद ही है practice सारा, understood? All right. तो extempore की activity जो होगी वो सब कोई participate करेगा,
जो एब्सेंट हो गया उसको एक्सटेम्पोरियस स्पीच बोलने का पनिशमेंट मिलेगा. दैट मीन्स यू हैव टू राइट अ स्पीच इन 5 मिनट्स अबाउट अ टॉपिक एंड प्रेजेंट इट. ठीक है, तो एब्सेंट मत होना मंडे को कोई गलती से. हाँ, तुम ही लोग क्या इमरजेंसी आती है, दुनिया में और किसी की तो इमरजेंसी है ही नहीं. ऑनलाइन नहीं है. यस, अंडरस्टूड व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव टोल्ड यू. यस, जीडी के लिए जो लिंक भेजा है इसको घर जाके चेक करिए. आई विल सेंड मोर वीडियोस अबाउट दिस, आल्सो सम वीडियोस रिलेटेड टू योर इंटरव्यू स्किल्स. बट उससे पहले आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है और वर्बल कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है. ऑल्सो आपने जो स्पीच लिखी है, बहुत सारे बच्चों का ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, बहुत ज्यादा. अंडरस्टूड, बिल्कुल होता है. तो जिनका बहुत कम है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 100% में से 90% आपका सही है विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक, वो अगर अपना कम्युनिकेशन सही कर लेते हैं देन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन जिनका 40% या 50% भी सही है उनको थोड़ा वर्क करना है. और जिनका इनसे भी लो है करेक्शन, या फिर 70% या 80% गलत है, तो उसको आपको करेक्ट करना है. कैसे करेक्ट करोगे? ग्रामर पढ़ने का टाइम है तुम्हारे पास? एक वीडियो भेजा था वो तो देख नहीं पाए तुम लोग. क्लास नहीं भेजा था, और इसीलिए भेजा था ताकि मैं ना भूल जाऊं. यस, डू वन थिंग, दिस इज नॉट काइंड एनी काइंड ऑफ प्रमोशन, बट यू कैन यूज ग्रामरली. ठीक है, ग्रामरली एक बहुत ही अच्छा ऐप है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं. एंड फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन इट इज फ्री फॉर यूज. तो आप वहां पर जो भी लिखते हो, या फिर सबसे बेटर है, हाँ, जो भी इंग्लिश में आप लिखते हो उसको वहां टाइप कर दो, वो ऑटोमेटिकली जितने भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो आपको करेक्ट करके बता देगा. अंडरस्टूड? आफ्टर राइटिंग लेट्स से 15 और 20 पैराग्राफ्स, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किस पैराग्राफ में किस तरह के मिस्टेक्स मैं कर सकता हूँ और उसको कैसे सही कर सकते. अंडरस्टूड? तो प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूसली करनी होगी. नाउ आपकी ये एक्टिविटी है दैट यू हैव टू डू व्हाट एवरी डे, आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है, सिर्फ एक पैराग्राफ किसी भी टॉपिक पे. अब क्योंकि मेरी क्लास अल्टरनेट होती है, यानी कि नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे पास 2 पैराग्राफ होने चाहिए. ये एक्सटेम्पोर की एक्टिविटी के बाद होगा, और हर एक दिन मुझे पैराग्राफ चाहिए. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एनी थिंग, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर. ठीक है, आप अपने फेवरेट फिल्म स्टार के ऊपर लिख दो. ठीक है, आप अपने फेवरेट पर्सन के बारे में लिख दो. ठीक है, आप अपने पैशन के बारे में लिख दो, जॉब चाहिए उसके बारे में लिख दो. ऑल्सो यू कैन राइट द पैराग्राफ अबाउट ऑब्जेक्टिव. आपके रिज्यूमे में एक पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव, उस पार्ट को आप खुद से बनाने की कोशिश करिए. ठीक है, एटलीस्ट 2 or 3 पैराग्राफ यू कैन मेक योर सेल्फ, बिकॉज इट इज वेरी मच हेल्पफुल वेन यू कैन आंसर द क्वेश्चन वाई शुड आई हायर यू. वो जो क्वेश्चन होता है ना उसमें ये पैराग्राफ ऐड करते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा. ठीक है, तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, इस तरह जो क्वेश्चंस हैं, उसको खुद से लिखने की कोशिश करिए एवरी डे. अंडरस्टूड? अगर नहीं हो पा रहा है तो जो क्लास में पढ़ाई किया जा रहा है, जो मैनेजमेंट के टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, जो अकाउंट्स के टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, उसी के ऊपर एक पैराग्राफ लिखो. ठीक है, जो चीज पढ़ाई गई दिन भर में, जो क्लासेस हुई दिन भर में, जो करते हो उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखो. लेकिन हर दिन एक पैराग्राफ आप लिखेंगे. एंड यू कैन यूज गूगल, यू कैन यूज ग्रामरली, यू कैन यूज एनी ऐप और बुक्स टू करेक्ट योर ग्रामर. खुद से करो ताकि आपको पता चले कि क्या गलतियां आप कर रहे हैं. ठीक है, मैं भी करेक्ट कर दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे आपको हर दिन देना होगा तभी मैं करेक्ट कर पाऊंगी. अंडरस्टूड? ऑलराइट, तो ये एक्टिविटी आपको करनी है. यू अंडरस्टैंड दिस?